आपने एक बड़ी ही मशहूर कहावत ज़रूर सुनी होगी, टाइम इज़ मनी, यानी आपका वक्त उतना ही कीमती है जितना वॉलेट में रखा हुआ पैसा। तो यार मैंने भी सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं और आपका वक्त बचाने के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस को भी घटने से बचा लिया जाए। तो बस हाजिर हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर, जिसमें 20 ऐसी शॉर्ट फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ 5 से 20 मिनट तक लंबी हैं, लेकिन मज़ा 3 घंटे वाली फिल्मों से भी दुगना मिलेगा। फ़र्क बस इतना है कि इन 3 घंटों में आप एक नहीं बल्कि 20 कहानियों से रूबरू होने वाले हैं। रही पैसे की बात, तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये सारी फिल्में आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी, वो भी एकदम फ्री। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इन फिल्मों को देखने के बाद आपका दिमाग हवा में उड़ने वाला है। 2020 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म सॉरी एक रोड एक्सीडेंट के अराउंड लिखी गई है, जिसमें कुछ मस्ती करने वाले टीनेजर्स का सामना एक सीधे साधे मामूली इंसान से हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब बाहर से शरीफ दिखने वाला ये आदमी अंदर से एक साइको निकलता है जो एक एक करके बदला लेना शुरू कर देता है, जिसके बाद फिल्म की एंडिंग आपके शरीर पर रोंगटे खड़े कर देती है। 2018 में रिलीज हुई प्लस माइनस दो अलग अलग इंसानों के नजरिए से जिंदगी को दिखाने की कोशिश करती है। एक लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में सोचता है तो दूसरी हर सिचुएशन में कमियां निकालने में माहिर है। इन दोनों का आमना सामना ट्रेन के एक सफर में हो जाता है, जिसमें बातों की जंग छिड़ जाती है। लेकिन कहानी पलटती है जब सफर के खत्म होने से ठीक पहले इन दोनों में से एक अचानक हवा में गायब हो जाता है। 2017 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म मीरा एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी हमारे सामने रखती है, जो जबरदस्ती एक घिसे पिटे रिश्ते को बिना मन के धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब पतिदेव अपनी पत्नी को ऑफिस में चलने वाले अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो पत्नी उनके बिना कुछ बोले ही पूरी डिटेल्स उनके सामने रख देती हैं, जिससे पति के होश उड़ जाते हैं और बाजी पलट जाती है। 2020 में रिलीज हुई कांदे पोहे का कनेक्शन महाराष्ट्र के एक ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें इस स्नैक के बहाने लड़के वालों को लड़की के घर रिश्ता पक्का करने के लिए बुलाया जाता है। संजय और मनीषा दो अलग अलग दुनिया से आते हैं जिनकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर मनीषा संजय के सामने एक ऐसा चैलेंज रखती है जिसमें अगर वो पास हुआ तो शादी पक्की वरना कैंसिल। 2020 में रिलीज हुई वन वुमन मैन दीपक नाम के एक इंसान के अराउंड लिखी गई है, जो अपनी पहली पत्नी प्रिया को खोने के बाद मौत से पहले उसकी देखभाल करने वाली नर्स मधु के साथ शादी कर लेता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब दीपक हर रात मधु के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसको प्रिया की मौजूदगी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है। 2020 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म देवी कुछ ऐसी वुमेन के अराउंड लिखी गई है जो बाहर से देखने में एक दूसरे से काफी अलग नजर आती हैं। उनकी उम्र से लेकर उनके कपड़े पहनने का ढंग या फिर बातें सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं कुछ ऐसे क्राइम्स जिनका कनेक्शन विमेन अब्यूज यानी औरतों को सेक्सुअली टॉर्चर करने के साथ जुड़ा हुआ है। फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए मेहमान की जो इन सब की पुरानी यादों को ताजा कर देती है। 2016 में रिलीज हुई आखिरी सवारी एक मिस्टीरियस कोरियर के अराउंड लिखी गई है, जिसको पाने के बाद मनीष नाम के एक शख्स अपनी जिंदगी या मौत में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब मनीष अपनी प्रॉब्लम एक कैब ड्राइवर के साथ शेयर करते हैं, जो हर मुसीबत को सॉल्व करने की 100% गारंटी देता है। लेकिन इस बार उसका सॉल्यूशन सुनने के बाद मनीष के साथ साथ आपके भी होश उड़ने वाले हैं। 2016 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म कृति प्यार नाम की बीमारी को फोकस में डालने का काम करती है। सपन को एक बार फिर से प्यार हो गया है, जिसमें वो हजारों सपने देख रहे हैं जिसकी वजह से वो असलियत से काफी दूर हो गए हैं। लड़की का नाम है कृति, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है, वो सपन के अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती है। ऐसे में कल्पना नाम की एक डॉक्टर की फिल्म में एंट्री होती है जो कृति के साथ जुड़े हुए सच और झूठ का पता लगाने की कोशिश करती हैं। 2019 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म वन एंड अ हाफ सोल एक कपल के अराउंड लिखी गई है, जो नई नई शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटीज महसूस करने लगते हैं। कहानी में एंट्री होती है पड़ोस में रहने वाली आंटी की, जो उस घर में एक मरी हुई औरत और उसके बच्चे की आत्मा होने के बारे में बताती हैं और उन दोनों से पीछा छुड़ाने का एक रास्ता भी समझा देती हैं। 2017 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म द स्कूल बैग माँ और बेटे के स्पेशल बॉन्ड को हमारे सामने रखती है। अपनी हर प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर माँ बेटे की ख्वाहिश पूरी करने में जुट जाती है, लेकिन फिर कहानी कुछ ऐसी पलटती है कि इस बैग के बहाने खुशियों की जगह फिल्म में मौत वाले खेल की शुरुआत हो जाती है। 2018 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म यक्षी इसी नाम के एक अजीब से भूत के अराउंड लिखी गई है, जिसका खौफ लोगों में दूर दूर तक फैला हुआ है। कुछ इसे सफेद साड़ी में देख चुके हैं तो कुछ इसको रूप बदलने में एक्सपर्ट मानते हैं। ऋषि नाम के एक फोटोग्राफर हैं जो एक जंगल में फंस जाते हैं, जहाँ पे उनको एक अजनबी अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। दोनों में यक्षी भूत के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब सफेद साड़ी में एक औरत इनकी कार में लिफ्ट मांगती है। 2016 में रिलीज हुई इंटीरियर कैफे नाइट प्यार की दो कहानियों को एक दूसरे से मिलाने का काम करती है। एक नए जमाने का प्यार है, जिसमें दो लोग पूरा वक्त साथ गुजारना चाहते हैं लेकिन पहली बार अलग अलग शहर में फंस कर दूर होने वाले हैं। दूसरी तरफ एक क्लासिकल लव स्टोरी है, जिसमें एक कैफे के ओनर की मुलाकात उनकी फर्स्ट लवर से हो जाती है।
जाती है, जिसके बाद दोनों कहानियां एक दूसरे के पैरेलल चलने लगती हैं। किसका प्यार पूरा होगा और किसके सपने टूटने वाले हैं। 2017 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म अनुकूल हमारा भविष्य दिखाने का काम करती है, जिसमें कोलकाता शहर में धीरे धीरे रोबोट्स इंसान की जगह लेते जा रहे हैं और इंसान बिना नौकरी के घर पर बैठे हुए हैं। फिल्म में एंट्री होती है अनुकूल नाम के एक रोबोट की, जो किताबें पढ़ने का काफी शौकीन है और भगवद गीता को पढ़ने के बाद अपने ओनर से एक सवाल पूछता है, जो उसको किसी की जान लेने पर मजबूर कर देता है। 2018 में रिलीज हुई रोगन जोश एक माहिर शेफ के अराउंड लिखी गई है, जो ऐसा खाना बनाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं जिसको खाने के बाद लोग अपनी उंगलियां चाटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक शाम ये अपने दोस्तों को घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं और बातों बातों में एक ऐसे खेल की शुरुआत हो जाती है जो आपके सामने एक ऐसी पहेली रख देता है जिसमें असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। 2013 में रिलीज हुई दैट डे आफ्टर एवरी डे ईव टीजिंग जैसे क्राइम के थ्रू तीन औरतों की जिंदगी को आपस में जोड़ने का काम करती है। कुछ घटिया दिमाग के लड़के हैं जो इन तीनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। फिर वो खास दिन आता है जब डर के आगे हिम्मत सीना तान के खड़ी हो जाती है और ये तीनों इन लफंगों को सबक सिखाने का फैसला करती हैं। फिर जो युद्ध देखने को मिलता है उसमें हड्डी पसली के साथ साथ लड़कियों को कमजोर समझकर देखने वाले लोगों के चश्मे भी टूट जाते हैं। 2020 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म अधीन फैमिली शब्द का असली मतलब समझाने की कोशिश करती है। एक छोटा सा परिवार है, माँ बाप है, एक बेटा बेटी है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। बेटी एक लड़की से प्यार करती है तो बेटा चोरी चकारी में फंसा हुआ है, माँ बीमारी से लाचार है तो पिता इन तीनों को संभालने के चक्कर में जिंदगी खर्च कर चुके हैं। फिर एंड में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं। 2015 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म अहिल्या एक पुलिस केस हमारे सामने रखती है, जिसमें एक गुमशुदा आदमी की तलाश करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर की मुलाकात अहिल्या नाम की एक मिस्टीरियस लड़की से हो जाती है। ये अपनी खूबसूरती से किसी भी इंसान को दीवाना बना सकती है और इशारों इशारों में ही सही गलत के बीच के फर्क को मिटा सकती है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब इनके घर से कुछ अजीब से पुतले मिलते हैं जिनका कनेक्शन गुमशुदा हुए लोगों के साथ जुड़ने लगता है। 2017 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म जूस सोसाइटी के उस नजरिए को चैलेंज करने की कोशिश करती है जिसमें आदमी और औरत को अलग अलग नजरों से देखा जाता है। जब दुनिया चलाने के लिए दोनों की जरूरत बराबरी की है तो फिर एक छोटा और दूसरा बड़ा कैसे हो गया। मंजू अपने घर आए मेहमानों को खुश करने के लिए किचन में पसीना बहा रही है तो उनके पति आराम से सोफे पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। कहानी पलटती है जब मंजू किचन से बाहर निकलती है और सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ा देती है। 2016 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म चटनी हर इंसान के अंदर दो पहचान छुपी होने की गारंटी देती है। एक वो जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, दूसरी वो जो गलती से बाहर आ जाए तो फिर शैतान जैसा शब्द भी उसके लिए छोटा लगने लगता है। वनीता नाम की एक हाउसवाइफ है जो अपने पति से काफी गहरा प्यार करती है। पूरी सोसाइटी में इनकी हरी चटनी काफी मशहूर है जिसको एक घर में लगी हुई सब्जियों को तोड़कर बनाती है। एक दिन रसिका नाम की पड़ोसी इनकी चटनी का टेस्ट लेने के लिए इनके घर जाती है, लेकिन बदले में जो सुनने को मिलता है उसके बाद आप भविष्य में चटनी खाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। और अब बारी है उस फिल्म की जिसको देखने के बाद आपका दिमाग गोल गोल और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 2014 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म गुत्थी एक राइटर के अराउंड लिखी गई है जो एक नई कहानी की तलाश कर रहे हैं। एक दिन अचानक इनके घर की घंटी बजती है और कहानी में खलील नाम के एक कबाड़ी की एंट्री हो जाती है जिसको लोगों के डस्टबिन में जांच पड़ताल करने की बुरी आदत पड़ी हुई है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब राइटर साहब खलील को अपने घर बुलाते हैं और दोनों के बीच में कहानियां सुनने सुनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है जिसके बाद इनमें से एक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वो 20 फिल्में जिनको आप आज के आज ही निपटा सकते हैं। सिर्फ कुछ घंटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी लेकिन वादा करती हूँ कि हर कहानी आपके दिमाग को चैलेंज करेगी और अपना फैन बनने पे मजबूर कर देगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।